10 दिसंबर 2023, हरियाणा की भोंसी जेल। आम दिन की तरह आज का दिन भी यहाँ के कैदियों के लिए आम था। जेल स्टाफ अपने अपने कामकाज में व्यस्त था कि तभी सुबह के करीब 10:30 बजे के आसपास जयपुर पुलिस की एक टीम भोंसी जेल आ पहुंची। जयपुर पुलिस को यहाँ देख जेलर हैरान रह गया कि भला जयपुर पुलिस यहाँ। जयपुर पुलिस भोंसी जेल के जेलर को बताती है कि हम आपके जेल में बंद 3 विचाराधीन कैदियों को अरेस्ट करने आए हैं। जेलर हैरान रह गया कि इतनी चाकचौंध सुरक्षा। यहाँ से बाहर निकलना तो दूर, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर जयपुर पुलिस किसे अरेस्ट करने आई है? जयपुर पुलिस से पूछा गया, आप किसे अरेस्ट करने आए हो और कौन से अपराध में? तब जयपुर पुलिस बताती है कि जयपुर में हुए करणी सेना सुखदेव सिघोगा मेडी हत्याकांड के 3 आरोपियों को अरेस्ट करने आए हैं। सवाल उठना लाजमी था, भला जेल में रहकर कोई अपराध कैसे कर सकता है? गोगा मेडी केस में अब तक कई खुलासे हो चुके थे, पर अब तक दूर दूर तक भोंसी जेल का कोई जिक्र नहीं हुआ था। आप भी जानना चाहते होंगे कि इस जेल में वह 3 कैदी कौन है जिसे जयपुर पुलिस गिरफ्तार करने आई है, और गोगा मेडी मर्डर केस से इन कैदियों का क्या लेना देना है? तो मामा थोड़ा कूल हो जाओ, क्योंकि एक और कहानी बाहर निकल कर आई है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मारने निकले थे कोई और मार गया कोई और। जी हाँ मेरे वीरो, सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मारने प्लान ए और प्लान बी बना था। प्लान बी के तहत गोगा मेडी की हत्या की गई। प्लान बी तो आप हर रोज मीडिया में सुनते हो, देखते हो, दो शूटर वाली कहानी। आखिर प्लान बी जानना बेहद जरूरी है। आइए पूरे विस्तार से प्लान ए और प्लान बी को डिकोड करते हैं, और ये भी जानते हैं कि जयपुर पुलिस भोंसी जेल में किसे गिरफ्तार करने आई थी। कम छो मजामा, अरे ममा, 9 दिसंबर को जब जयपुर पुलिस सुखदेव सिंह गोगा मेडी के जिन 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लाई और जब उन शूटरों से पूछताछ की, तो इन दोनों यानी नितिन भोजी और रोहित राठौड़ ने पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। यहाँ बता दूँ कि नितिन भोजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। नितिन भोजी आर्मी में था, लेकिन वह छुट्टी लेकर आता जाता रहता था, जिसके तहत वह एक अपराध को अंजाम देता है, जिसके बाद से ही वह फरार हो जाता है। दरअसल इस मामले में 3 और ऐसे नाम सामने आए हैं जिसके बारे में अभी तक किसी को जानकारी नहीं थी, जिसे रविवार 10 दिसंबर को पुलिस हरियाणा की भोंसी जेल से बाकायदा प्रोडक्शन वारंट के तहत जयपुर लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल ये 3 आरोपी हरियाणा की भोंसी जेल में बंद थे और इन पर हत्या के प्रयास और पुलिस पर फायरिंग का मामला दर्ज था। इन 3 कैदियों का नाम है भवानी सिंह उर्फ रोनी, राहुल केथल और संदीप, और 10 तारीख को इन 3 कैदियों को पुलिस गोगा मेडी केस में जांच करने लेकर आती है। अब सुनो मामा, सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या का जिम्मा सबसे पहले नितिन भोजी या रोहित राठौड़ को नहीं बल्कि भवानी सिंह उर्फ रोनी, राहुल केथल और संदीप को सौंपा गया था, मगर ये 3 सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मार पाते उससे पहले एक ऐसा कांड कर दिया कि डायरेक्ट जा पहुंचे हरियाणा की भोंसी जेल। आखिर ये भवानी सिंह है कौन और नितिन भोजी का उससे क्या रिश्ता है? आइए ये भी जान लेते हैं। भवानी सिंह, राहुल केतल, संदीप और नितिन भोजी, ये चारों शख्स हरियाणा के एक ही कस्बे से बिलोंग करते हैं। चारों आसपास के गांव के ही थे, तो शुरू से एक दूसरे को जानते थे और आपस में दोस्ती भी अच्छी खासी थी। अब सुनो मामा, कड़ी से कड़ी कैसे जुड़ती हैं? दरअसल लॉरेंस के कहने पर रोहित गोदारा अपने साथी गैंगस्टर वीरेंद्र चारण को सुखदेव सिंह गोगा मेडी को खल्लास करने सुपारी देता है, और वीरेंद्र चारण इसका जिम्मा सौंपता है भवानी सिंह को, क्योंकि वीरेंद्र चारण और भवानी सिंह एक दूसरे को जानते थे। फिर भवानी सिंह इस काम के लिए अपने 2 और साथी राहुल केथल और संदीप को अपने साथ जोड़ता है। उधर नितिन फौजी आर्मी से छुट्टी लेकर अपने गाँव आया हुआ था। यहाँ आए चारों दोस्त भवानी सिंह, राहुल केथल, संदीप और नितिन एक दूसरे से मिलते जुलते थे। लेकिन इस बीच भवानी सिंह का गांव के ही एक शख्स अनुपम सोनी से किसी बात को लेकर तूतू-मैं-मैं हो जाती है। इस झगड़े में भवानी सिंह के अंदर बदला लेने और अनुपम सोनी को सबक सिखाने आग भभक उठती है। एक रोज भवानी सिंह अनुपम को सबक सिखाने के लिए अपने 3 दोस्त से बात करता है। अब इन चारों ने अनुपम सोनी के घर जाकर उसे सबक सिखाने की ठान ली। बकायदा भवानी सिंह अनुपम सोनी को फोन कर धमकी देता है कि मैं आ रहा हूँ, खुद को बचा सकता है तो बचा ले।
इधर इस धमकी से अनुपम सोनी डर गया वह सुबह की पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। इधर भवानी से राहुल के थल संदीप और नितिन भोजी अनुपम सोनी के घर पहुंचते हैं। इन चारों के वहां पहुंचने से पहले पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस को देख चारों बदमाश वहां से भागने लगे। बदमाशों को भागता देख पुलिस ने इनका पीछा किया तो भवानी सिंह भागते हुए अपनी पिस्टल निकाली और पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। लेकिन पुलिस ने भवानी सिंह राहुल केथल और संदीप को पकड़ लिया जबकि नितिन फौजी वहां से भागने में कामयाब रहा। लेकिन बाकी तीनों को पकड़कर भोंट से जेलबंद कर दिया जाता है। और यहां सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मारने का पूरा प्लान फेल हो जाता है क्योंकि जिसको सुपारी दी गई थी वह तीनों शूटर अब भोंट से जेल पहुंच चुके थे। और अब यहां से शुरू होता है प्लान बी। दरअसल प्लान ए के तहत भवानी सिंह राहुल केथल और संदीप को सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या करनी थी। नितिन भोजी का प्लान ए में कोई रोल नहीं था लेकिन हत्याकांड से पहले तीनों शूटर पकड़े गए। उधर कुछ समय बाद रोहित गोदारा का फोन आता है वीरेंद्र चारण को। वीरेंद्र चारण भोंडसी जेल में बंद भवानी सिंह से संपर्क करता है। भवानी सिंह बोलता है हम तो जेल में बंद है पर नितिन भोजी बाहर है और वह काम करेगा। क्यों काम करेगा तो सुनो मामा। अब तक नितिन फौजी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं था पर उस दिन भागते वक्त भवानी सिंह पुलिस पर गोलियां चलाता है और साथ में नितिन फौजी भी था। तो अब पुलिस पर गोलियां चलाने के मामले में नितिन फौजी पर FIR दर्ज हो चुकी थी लिहाजा इसीलिए अब वह आर्मी भी ज्वाइन नहीं कर सकता था और पुलिस को उसकी तलाश थी तो वह भागता फिरता था। अब भवानी सिंह के कहने पर वीरेंद्र चारण नितिन फौजी का संपर्क करता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हें सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या करनी है और इसके लिए नितिन फौजी राजी भी हो जाता है पर एक शर्त रखता है। जब इस शर्त के बारे में रोहित गोदारा को बताया जाता है तो शर्त कबूली जाती है। वह शर्त क्या थी नितिन फौजी बखूबी जानता था कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है कभी भी वह पकड़ा जा सकता है और जल्द ही आर्मी की नौकरी भी छीन ली जाएगी। तो जब इस हत्याकांड की पेशकश उसके सामने रखी गई तो उसे लगा इससे बेहतर मौका कोई हो ही नहीं सकता। उसने शर्त रखी कि उसे कनाडा में सेटल करवाया जाए और पैसा भी दिया जाए ताकि वो वहाँ अपना बिजनेस सेट कर सके। उधर रोहित गुदारा की ओर से ये शर्त कबूल कर ली जाती है और शुरू हुआ प्लान बी। अब नितिन भोजी को महेंद्रगढ़ से लाया जाता है दिल्ली। दिल्ली से वहाँ पहुँचता है जयपुर। जयपुर में उसे मिलती है पूजा सैनी और उसका पति महेंद्र मेघवाल। दरअसल ये दोनों मियां बीवी लॉरेंस गैंग के सबसे बड़े आम सप्लायर थे। यहाँ जयपुर में एक कुरियर बॉय आता है जो पूजा सैनी को हथियारों का जखीरा देता है। और बता दूं कि नितिन भोजी करीब 7 दिनों तक जयपुर में पूजा सैनी के फ्लैट पर रुका रहा। यहाँ नितिन भोजी को 2 जिगाना पिस्टल और 50,000 रुपये दिए जाते हैं। फिर पूजा सैनी और उसका पति महेंद्र मेघवाल नितिन भोजी को अपनी कार में लेकर निकलते हैं। वह तारीख थी 5 दिसंबर। कुछ देर आगे जाने के बाद वहां रास्ते में खड़ा मिलता है दूसरा शूटर रोहित राठौड़। यहां बता दो कि अब तक नितिन भोजी को पता था कि उसे सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या करनी है। वहीं दूसरी ओर रोहित राठौड़ को भी पता था कि उसे भी सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या करनी है पर इन दोनों को अभी तक ये पता नहीं था कि हमारा दूसरा साथी कौन है। यानी 5 तारीख सुबह तक नितिन भोजी और रोहित राठौड़ एक दूसरे से अनजान थे। इन दोनों शूटरों को एक दूसरे से अनजान रखने का मकसद था कि दोनों एक साथ मिलकर कहीं प्लान में गड़बड़ी ना करे या प्लान से मुकर ना जाए। खैर अब रोहित राठौड़ को गाड़ी में बिठाया जाता है। उसे भी एक मैगजीन पिस्टल और 50,000 रुपये दिए जाते हैं। फिर इन दोनों को कुछ देर आगे चलकर छोड़ दिया जाता है। यहाँ उसे मिलता है नवीन शेखावत और फिर तीनों सुखदेव गोगा मेडी के घर जाते हैं। उनकी हत्या कर फरार भी हो जाते हैं। अरे मामा यहाँ और एक बात है सुनो भीर। दरअसल दोनों शूटरों को ये बताया गया था कि जब आप दोनों सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या कर वहाँ से भागोगे तब भागने में आपकी मदद की जाएगी। बताया ये गया था कि वारदात से कुछ देर आगे एक ट्रक खड़ा होगा जो फरार होने में मदद करेगा। लेकिन जब दोनों शूटर सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या कर फरार हुए और स्कूटी से ट्रक की ओर भागने लगे तो कहीं पर भी उन्हें ट्रक नहीं दिखाई दिया। फिर इन दोनों शूटरों ने अपने आप को बचाने खुद ही रास्ता ढूंढा। खैर अब नितिन भोजी रोहित राठौड़ पूजा सैनी भवानी सिंह राहुल संदीप से पुलिस पूछताछ कर रही है।
इस केस में मारे गए नवीन शेखावत के बारे में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। सभी ने नवीन शेखावत को उल्लू बनाया है, जिस पर कल या परसों बात करेंगे। तो फिर चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।